बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू रिएक्शन चैनल में देवाशीष और ऊपर। तो स्वागत है हमारे चैनल में। और हम काफ़ी दिनों से, मैं यही बात करता रहता हूँ, काफ़ी दिनों से हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बयां की वीडियो बना रहे। तो ये एक सजेशन हुई थी, हम जानते ही नहीं थे इनको कि ये कैसे बयां देते, पर जब से हमने स्टार्ट किया है तो ना लाइफ चेंज हो रही है, तो पॉजिटिविटी आ रही है, काफी आ रहे हैं हमारी लाइफ में, अच्छा लग रहा है, बयां सुन सुन के पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में। और इनकी बातें सच में बहुत अच्छी है, तो कोई फेक चीज़ नहीं है, सच में बहुत अच्छी है। तो इनकी आज भी एक बहुत अच्छी वीडियो है, तो हमने सिर्फ सबटाइटल पढ़ा है, दुनिया की हकीकत। दुनिया की हकीकत क्या है ना, ओपन क्या है दुनिया की हकीकत, देखते हैं इस वीडियो में। चलो, इस दुनिया की हकीकत हमारे नज़रिए से तो बहुत अभी तो अजीब है, पर देखते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। आप देखेंगे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के अवायल इंतहाई दुख में गुजरे हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी जिंदगी सुखी रहे, लेकिन फिर आजमाइश उनके बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की शक्ल में, किसी और शक्ल में। और बाज ऐसे हैं कि जिनको पूरी जिंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं नबी सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब से आबा मेरे अमीर से आबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है, वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन 40 साल आप देख ले कितने ज्यादा होते हैं सिर्फ गरीब होने, इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब से आबा के साथ बैठा करते हैं कि यार चलो चंगे दे लड़ लग जाइए, नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी दरवेश लोग। तो माल फितना है इस हवाले से। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, 2 बाहर ही रह जाते हैं, उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ये ना समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती है जो मैं बयान कर रहा होता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम की वफात तक हमारी हालत थी, बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2, बाज़ुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 काली चीज़ों पर, खजूर और पानी पर गुजारा होता था, वो भी कोई टनों टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फकर अडॉप्ट किया होता। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए, अपनी बीवियों से नाराज होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हजरत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे, तो हजरत उमर रो पड़े, या रसूल अल्लाह कैसर किसरा तो दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के ये हालत आपकी। आप फरमाया कि ऐ उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसरों किस तरह दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत, ऐ उमर क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली। सर नबी अलैहिस्सलाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन अपायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पर लोग लग गए, थींदे थींदे इसीलिए कहा जाता है अबू बकर उमर की खिलाफतें खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान अली की खिलाफतें मफतूना हैं। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था, वो स्पेशल प्रोटेक्शन था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है, जब ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। वो फितने क्या शुरू हुए, दुनिया की मोहब्बत। जो बुखारी में हदीस नहीं है, वो जो
नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे तो हजरत अबूबकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, तो एक शख्स जो काफरों की तरफ से 100 ऊंट इनाम रखा गया था, तो वो पीछा करते इब्ने जोशम, क्या नाम था उसका, सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम, वो पीछे आया, उसका घोड़ा धस गया, 2-3 बार हुआ, उसको यकीन हो गया, उसने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो बताएं। तो अज़र बकर ने कहा कि बस इधर की तरफ ना किसी को आने देना हमारा पीछा करने के लिए। तो फिर वो जब जाने लगा तो पीछे से आवाज दी और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं सुराका के हाथों में किस तरह के कंगन देख रहा हूं। तो वो बड़ा मुस्कुराया और कहने लगा किस तरह, दुनिया की सुपर पावर और उसका जो बादशाह जो लिबास पहनता है इतना महंगा, वो मेरे ऊपर देख रहे हैं। और दिल में शायद उसने ये भी सोचा हो कि अपनी हालत यह है कि जान बचा के दो बंदे चोरी छुपे मदीना जा रहे हैं और हमें ये बिशारा सुना रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये पता भी था कि उम्मत के लिए खजाने खुलेंगे, तब भी आपने फकर इख्तियार किया ताकि उम्मत पीछे से माल पानी ने शुरू कर दे, क्योंकि तिर्मिज़ी की हदीस है हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है, सीधी सी बात है। और फिर हजरत उमर के दौर में फिर किसरा का जब लिबास आया तो कहा सुराका किधर है, पहनाया और कहा चल के बताओ, जब चले तो फिर कहा ला दे। उसने कहा मैं मालिक, उनका नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसका कहा था ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल में जमा होगा, तुम मलकियत नहीं इसकी हासिल कर सकता, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर, और उसके बाद फिर हजरत उमर रो पड़े, ये सारा उन्होंने फिल्माया उमर सीरीज के अंदर। तो साहब ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे लेकिन उनकी जिंदगी फकर में गुजरी, अल्लाह ने ये खजाने उनको नहीं दिए, और हजरत अबू बकर मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे, उनके दौर में ये नहीं आए, इस आजमाइश में अल्लाह ने मुझे डाला है और मैं डरता हूं कि मेरा क्या बनेगा। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आता ना, जब उनको जख्म लगा और लोग नाउमीद हो गए तो फिर लोग आके उनकी फाइनल ज्यारत कर रहे थे, क्योंकि खाते पीते थे तो मैदा कटा हुआ था निकल जाता था। उसी हालत में बुखारी में आता है एक नौजवान आया, उसका तैमर टखनों से नीचे लटक रहा था, जब वो जान लगा तो बीमारी की हालत में हजरत उमर कह रहे हैं लड़के इसको तहमत को टखनों से ऊंचा कर, इससे तेरे कपड़े भी पाक रहेंगे और ये सुन्नत भी है। यहां हम लोगों को कहते हैं शलवारें यार नीचे रोबड़ रही हैं, रोबड़ रही हैं। हजरत उमर नजा के आलम में भी टखनों से ऊपर शलवार कर, हजरत उमर वाबी नहीं सन सर, वो सहाबी सन, उनको पता था ये सुन्नत है, और नजा के आलम में तहमत ऊपर करवा रहे हैं, बुखारी के अल्फाज हैं। और वहां पर आके सहाबा इकराम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उमर पर रहम फरमाए, अमीरुल मोमिनीन आपकी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी फतवात दी, रोमन अंपायर गिरी, कादसिया यरमूक, मुसलमानों को फतवात मिली, उम्मीद है अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अजर रखेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला मेरी इन खिदमात के एवज अगर बराबर भी छोड़ दे कि मेरे गुनाह और नेकियां बराबर हो जाए तो वल्ला मैं कामयाब हो गया, मैं इतना अल्लाह से इतना डरता हूँ। ये उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की ना, ये मैं कहूंगा कि उनकी आजजी थी, ये रियलिटी थी। जिसको खुदा का तारुफ है वो वाकई जानता है कि अल्लाह बड़ा डाढ़ा है। हजरत अबू बकर ने जब मशवरे के बाद हजरत उमर को नामजद किया था तो आपको पता है हजरत उमर को क्या नसीहत की थी, क्या उमर एक ही नसीहत उन्होंने की, इनका इतना किल्ला या उमर, वो उमर सीज में फिल्माया उन्होंने, अल्लाह से डरना, और जब तू जन्नतियों की तरफ देखे ना तो दुआ करना कि अल्लाह तुझे उसमें शामिल करता है, और जब तू दोषियों की तरफ देखना तो डरना ऐसे कि कहीं तू उनमें शामिल ना हो। उन्होंने तो नहीं कहा मैं अशरम वशरम, मैं जिस रास्ते पे चलूं शैतान भाग जाता है, ये आप मुझे क्या बातें बता रहे हैं। उनको पता था कि अल्लाह ताला की सिफतें बेनियाजी भी तो है ना सर, आपको नहीं पता, वो तो पैगंबरों के ऊपर अता फरमा देता है, यूनुस अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे। और इतना गुस्सा कि सूरह साफात में आया कि यूनुस अगर मछली के पेट में हमें ना पुकारता तो फिर उसी दिन निकाला जाता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। यार इतना गुस्सा क्या कर दिया, कोई बंदे मार दिए यूनुस ने। आप यूट्यूब में मेरा क्लिप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपको पता चलेगा। सर अल्लाह अपने मामलात में बहुत सख्त है, अल्लाह वो नहीं है जिसका तारुफ आपको करवाया गया।
पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब देखें। तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारा जमी साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया और उनको डराते रहते हैं। सर क्यों ना डराएं, अल्लाह के बंदो कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ سورة الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی الاسلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے۔ بخاری کے حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے، آپ رک گئے، پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا۔ سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے، ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا، بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا، اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو۔ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو، اس کو عذاب سے بچاؤ۔ تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام، یار وہ آپ کو دے کے گئے، آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے اور آپ ان کے ساتھ یہ محمد علی مرزا جی کا ویڈیو، تو کافی انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ، اور ایک چیز میں وہ عمر سیریز جو کہ حضرت عمر ان کی سیریز ہے، ان کے سچویشن سینز بتا رہے تھے۔ تو اسٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب غم میں پوری زندگی نکال لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب ان کی آگے کی لائف میں بڑھاپے میں ان کو بیماریاں آتی ہیں، تو یہی کہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ آپ کو ہر ایک چیزوں سے گزرنا پڑے گا، کہ غم بھی ہے خوشیاں بھی ہے سب کچھ آئے گا، اور اگر آپ نے بولتے نا اچھے کرم کیے ہوں گے اور اچھی چیزیں ہی کرتے رہو گے۔ اور ایک بہت بڑی چیز انہوں نے نا پورے بیان میں بتائیے کہ اللہ سے ڈرو، آپ جو بھی کام کرو اللہ سے ڈرا کرو۔ آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خراب کام نہیں کرو گے تو، اور آپ کو جنت میں آپ کو جگہ ملے گی۔ یہ ساری باتیں ہیں نا، ان دی اینڈ سمری یہ بنتی ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ قرآن اس لیے بنایا گیا کہ آپ کو ڈرایا جائے، کیا غلط کام نہ کریں، تو اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کرو گے دنیا میں پیس رہے اس راہ پہ نہ چلے جو آپ کو دوزخ میں لے کے جائے۔ اور وہ گلٹ میں انسان رہتا ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے اور گلٹ میں رہتا ہے، تو اس چیز سے آپ کو گزرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن بنائیے، قرآن میں یہی ہے کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہی یہ بتا رہے تھے کہ لوگ بولتے کہ یہ تو قرآن ڈرایا کرتی ہے، تو اللہ تو یہی مطلب زور شور سے یہی مطلب اسٹرانگلی بولتے ہیں کہ آپ کو ڈرانے کے لیے یہ کہ آپ خراب کام نہ کریں اور آپ اچھے کرم کریں۔ اور
बताया गया है कि अब जैसे फैमिलीज में होते हैं कि लड़के को सब दे देते हैं, लड़कियों को कुछ नहीं देते, तो वो फिर इंसान दोज़ख में जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत होती है आज की दुनिया में। तो इक्वली मैं बताऊँ, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए और माँ बाप को बच्चे का भी देखना चाहिए। तो ये बैलेंस में लाइफ अगर होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अच्छे कर्म करते रहिए, आपको जन्नत ही जन्नत मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे बयां बताया इन्होंने, और हज़रत उमर सीरीज का इन्होंने वाक्य दिया था और काफ़ी अच्छा लगा हमें सुन के। तो हम उसकी सीरीज देखेंगे, फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए, ये था वीडियो हमारा। और कैसा लगा हमारा रिएक्शन, आप कमेंट्स में लाइक शेयर और सब कुछ करते रहना और सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा हमें, है ना। और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे, बयान लाते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।